आज का हमारा प्रोग्राम होने वाला है एडोब पेंच मेकर 7.0, जो कि लगाने की अगर हम विधि की बात करें तो इसमें भी हमें एक से अधिक विधि देखने को मिलने वाली है, जैसा कि अभी हम देखने वाले हैं। एडोब पेंच मेकर को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहली विधि का अगर अनुसरण करेंगे तो यहाँ पर आपको जाना होता है स्टार्ट बटन पर। मैं पहले ही बता दूं कि यह विधि वही है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी के भी लिए, जो कि चार क्लिकिंग वाली विधि है। माउस को अलग अलग जगहों पर जाके आपको टच करना है, क्लिक करना है, और चार बार क्लिक करने पर आपके सामने उस सॉफ्टवेयर की विंडो आपके सामने खुल जाती है। तो ऐसा यहाँ पर हम देखते हैं, ये जानी मानी विधि, सभी इसी विधि से फोटोशॉप, पेंच मेकर या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम के नाम का ऑप्शन मिलता है, इसे क्लिक करते हैं और चलते हैं एडोब नाम के फोल्डर पर, इसे क्लिक करते हैं और इसके अंदर हमें मिलता है एडोब पेंच मेकर 7.0 का फोल्डर। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एडोब पेंच मेकर 7.0 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह हमें देखने को मिल जाएगा स्टार्ट होता हुआ। यह इसकी वेलकम स्क्रीन है, वेलकम स्क्रीन के बाद में यहाँ पर प्लगइन एरर आ रहा है, इसे कंटिन्यू करेंगे हम और यह हम देख सकते हैं इसकी विंडो हमारे सामने आ चुकी है। और यहाँ पर हम वही एडोब पेंच मेकर पहले जैसे ही सॉफ्टवेयर की तरह है, एडोब फोटोशॉप की तरह ही यह दिखाई देता है। कुछ भिन्नताएँ हैं इसमें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर की जो प्लेट हमें यहाँ पर पट्टी दिखाई देती है, इसे टाइटल बार कहा जाता है। फिर इसके नीचे मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार आ जाती है, टूल बॉक्स आ जाता है, और ये कलर प्लेट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और भी प्लेटें यहाँ पर होती है जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं, कलर प्लेट, स्टाइल प्लेट, लेयर प्लेट, मास्टर पेज आइकन आपको देखने को, हाइपर लिंक देखने को मिल जाएगी, और प्लग इन प्लेट और भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर प्लेटें होती है, लेकिन ज़्यादातर उपयोग में आने वाली जो प्लेट है हमारे लिए वो है कलर प्लेट। इस पर आपको ध्यान रखना होता है, जैसे फोटोशॉप के अंदर आपने लेयर पर ध्यान रखा था कि क्या हरकत हो रही है लेयर के अंदर, इसी तरह यहाँ कलर में भी आपको हरकतों को ध्यान रखना होता है। नीचे हम देख रहे हैं यह जो पट्टी आ रही है यह कहलाती है कंट्रोल प्लेट। तो इस तरह से यह फोटोशॉप के जैसा ही हमें देखने को मिल रहा है एडोब पेंच मेकर। तो इसकी विंडो पर हम चलते हैं कि विंडो कहाँ है। तो इसके पहले हम यहाँ पर देख लें कि ये सिर्फ एडोब पेंच मेकर की विंडो दिखाई दे रही है, ना कि कोई पेंच हमारे सामने आया है। अभी हम यहाँ पर फाइल पर चलते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि यह डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ गया। कहाँ से आया यह? फाइल के अंदर गए, न्यू के अंदर गए, और देखिए अभी तक आप एमएस वर्ड और एक्सेल में, पावर पॉइंट में, इनमें देखते आ रहे थे कंट्रोल बटन का शॉर्टकट क्या था, CTRL, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी जगह अब आपको ये जो एक निशान आ रहा है यहाँ पर, एरो का निशान, इस एरो के निशान को ही आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब ये जो एरो का निशान है एन के पास में, इसको याद रखें और देखें कि यही कंट्रोल बटन है। ये जहाँ पर भी बना हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये कंट्रोल बटन के लिए ही बना हुआ है, कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए। कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट तो एक नई फाइल जनरेट हो जाती है, नया फाइल लेने का डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पर भी क्लिक हम करते हैं तो हमारे सामने बीचों बीच में यहाँ अभी जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यह प्लेट दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग।
वर्क करना है उस पर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह जो हमारी प्लेट है फाइल पर चले न्यू पर चले, न्यू पर जाने के बाद में हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आया, इसे हमें समझना है। तो यहाँ पर पेज की साइज़ क्या रखना है, लेटर पेड साइज़ है, सभी बहुत सारी साइज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रकार से साइज़ें यहाँ पर मिलती है, हमें इनमें से A4 साइज़ के पेज को लेना है। डायमेंशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, पेज की लंबाई गुणित चौड़ाई आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि यहाँ नीचे हम देख रहे हैं। ओरिएंटेशन टेल और वाइड, जो कि पेज को खड़ा और आड़ा यहाँ पर बनाता है। डॉक्यूमेंट के दोनों साइड को आप देख पा रहे हैं, तो डबल साइड चेकआउट लगा हुआ है, इसे अगर आप अनचेक करते हैं तो ये सिर्फ एक ही तरफ का पेज आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से जैसे क्लिक किया तो डबल साइड में आपको देखने को मिलेगा, तो इसे अनचेक रखना है फिलहाल के लिए। कितने पेज चाहिए ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल गया है कि एक ही पेज चाहिए और उसी पेज से आपकी शुरुआत हो। मार्जिन यहाँ पर मिल जाता है, जो कि यहाँ पर 0 पॉइंट में हमें देखने को मिल गई है, और इस मार्जिन को हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने पेज आ चुका है, जो कि फिट ऑन स्क्रीन वाला ऑप्शन है, फिट इन विंडो वाला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि पूरी विंडो पे आपको पेज दिखाई दे रहा है। अगर आप वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, तो आपको पूरा पेज एक साथ नहीं देखना है, क्योंकि आपको वर्क करना होता है एक्चुअल साइज़ में, जो कि 100 पेज की साइज़ आपको होनी चाहिए, 100% जूम इन होना चाहिए। हैंड टूल की सहायता से हम इस पेज को मूवमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से पेज को आप सेटअप करके रखेंगे। अभी हम जो देख पा रहे हैं ये परफेक्ट लुक इसका दिखाई दे रहा है कि यही विंडो हमारे सामने होनी चाहिए। टूल बॉक्स भी आपके सामने होना चाहिए कि कौन सा टूल आप यूज़ कर रहे हैं। कलर प्लेट भी आपके सामने होनी चाहिए कि कलर कौन सा उपयोग हो रहा है और क्या कंडीशन है। साथ में नीचे हम देख रहे हैं कंट्रोल प्लेट, यह भी आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर क्लिक करते हैं तो इस कंट्रोल प्लेट और कलर प्लेट दोनों में ही इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कौन सी भाषा चल रही है, कितनी साइज़ है, ये सारी जानकारी आपको यहीं से मिलती है। इसको हम मिटाते हैं, अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो मिटाने के बाद आप यहाँ पर कृतिदेव फॉन्ट को टाइप करेंगे, और कृतिदेव फॉन्ट की साइज़ हमने यहाँ पर रखी हुई है 12 की, 12 की साइज यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया है, तो अब हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हम कुछ भी लिखना चाहते हैं हिंदी में, वहाँ लिख सकते हैं। तो श्री गणेशाय नमः हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, ये हमने लिखा श्री गणेशाय नमः। कंट्रोल ए के साथ हम इसे सिलेक्ट करते हैं, और अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट आपको टाइप वाले ऑप्शन से जाके पता कर लेना है, क्योंकि जो MS वर्ड में हम अभी तक शॉर्टकट याद करते आए हैं उनसे थोड़े विपरीत यहाँ पर शॉर्टकट मिलेंगे। शिफ्ट का भी साथ में उपयोग किया जा रहा है, कंट्रोल प्लस, जैसे शिफ्ट प्लस, SH का मतलब यहाँ पर होता है शिफ्ट, और ये जो तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है ये है कंट्रोल के लिए। तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस B इसका शॉर्टकट है, जो कि आपको यहाँ से सारे ही शॉर्टकट याद कर लेने हैं, तो नॉर्मल फाइल के लिए भी और बोल्ड के लिए भी। साथ में अलाइनमेंट आपको यहाँ से याद करना है, वही शिफ्ट के साथ यूज़ हो रहे हैं, तो यह भी आपको यहाँ से याद करने हैं। ये जानकारी आपको होना बेहद ही ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि इसके अंदर हम सेलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल और B अगर हम करते हैं तो ये बोल्ड हो जाता है। साइज़ बढ़ानी घटानी है तो आपके पास पुराने शॉर्टकट हैं, जो कि MS वर्ड में याद किए थे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और लेस देन, इनसे हम साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं, बड़ा घटा सकते हैं। मूव टूल जो होता है हमने फोटोशॉप में पढ़ा है मूव टूल के नाम से, और यहाँ ये जो टूल है ये पिक टूल के नाम से देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर पिकअप करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के ले जा सकता है, इस तरह का टूल है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसकी जो मार्जिन गाइड होती है कलर वाली पट्टी, इसके अंदर आपको पूरा यहाँ तक ये एरिया सिलेक्शन देखने को मिलता है, जो कि डायरेक्टली क्लिक करने पर इतना ही एरिया मिलेगा। आप चाहें तो एरिया अपनी मर्जी से भी ले पाएंगे, उसके लिए हम आगे देखेंगे ऑप्शन। अब यहाँ पर हम सेंटर अलाइनमेंट इसको अगर देना चाहते हैं तो सिलेक्शन कर लिया है। इस कंट्रोल प्लेट पर हमें
अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन वो इस टी वाले ऑप्शन के जस्ट नीचे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है पैराग्राफ वाला, इसे टच करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी हमारी पूरी प्लेट चेंज हो चुकी है और सेंटर अलाइनमेंट हम यहाँ से दे देते हैं क्योंकि ये सेंटर में चला गया। वापस टी पर क्लिक करेंगे, वापस अपने पेज पर आप आ जाते हैं। ऐसा यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल चुका है। और भी कुछ अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एरिया ले सकते हैं और क्लिक भी कर सकते हैं। एरिया लेंगे तो आप यहाँ पर जितना भी एरिया लेते हैं उतना एरिया आपका आ जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर लिया है यहाँ स्ट्रेट एंड स्मूथ लाइन टूल, जो कि हम यहाँ या आधी हमने खींची है इस लाइन को, जैसे माउस माउस की वजह से ये लाइन हम अच्छे से नहीं खींच पाए। ये हम यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को ले लेते हैं। अब हमने ये एरिया कर दिया है और इसे टेक्स्ट टूल से एरिया लेते हैं। हमें कुछ लिखना अगर है तो यहाँ पर हम एरिया लेते हैं, इतना एरिया हमने लिया, यहाँ लिखेंगे हम शो और इसे हम देख सकते हैं कि इतना सा एरिया है। अगर साइज बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, घटाना है घटा सकते हैं, कहीं रखना है इसे उठाकर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से इसे हमने रख लिया है और डुप्लीकेट करेंगे, अल्ट और कंट्रोल के साथ हमने इसे डुप्लीकेट कर लिया है। यहाँ हमने रखा इसे और रखने के बाद इसे एडिट कर लेते हैं। लाभ हमने यहाँ पे लिखना है तो ये लाभ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से हिंदी टाइपिंग का वर्क भी आप इसमें कर पाएंगे। इन शब्दों को कहीं भी उठा के आप रख सकते हैं, ये सुविधाएँ इसके अंदर मिलती हैं। तो अभी तक मैंने आपको इसे चलाना बताया है, अभी इसकी जानकारी आपको देखना है कि ये क्या है, किस तरह से किस एरिया को क्या कहते हैं। टूल बॉक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कलर प्लेट कंट्रोल प्लेट इनको एक साथ छुपाना दिखाना हो तो टेप बटन आपने पहले याद किया था वह अब भी याद रखना है। जो फोटोशॉप में वर्क करता है वो यहाँ पर वर्क करेगा। लेकिन एक और बात, जैसे कि हम हैंड टूल का उपयोग कर रहे हैं पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए, तो इस हैंड टूल का भी एक शॉर्टकट है जो कि आप बिना हैंड टूल को टच किए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए अल्ट बटन को आप होल्ड करके रखें, दबा के रखें, तब आपका हैंड टूल यहाँ पे काम करने लग जाता है। जैसे ही अल्ट छोड़ते हैं तो आपका हैंड टूल यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये इसका एक शॉर्टकट है जो आप याद रखें। कंट्रोल जे से हम कलर प्लेट को शो हाइड कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ सिंगल कोटेशन वाले बटन से हम यहाँ पर कंट्रोल प्लेट को भी शो हाइड कर सकते हैं। यह जानकारी आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसका जो विंडो है वो किस तरह से दिखाई देता है। तो ये पूरा विंडो हम इस तरह से देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमें प्रत्येक फील्ड की जानकारी को याद रखना होगा। इसका डायग्राम आपको अपनी कॉपी में ज़रूर बनाना है। एडोब पेंच मेकर हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसकी जो टाइटल बार है सबसे ऊपर की पट्टी, यहाँ आपको दिखाई देगा इसका नाम, सॉफ्टवेयर नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एडोब पेंच मेकर 7.0। और साथ में यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका डिफ़ॉल्ट टाइटल जो कि अनटाइटल 1 के नाम से आपको देखने को मिलता है। साइड में हम चलते हैं, राइट साइड में तो हमें विंडो कंट्रोल बटन, वही मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन क्लोज देखने को मिलते हैं। इसके नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, ऐसे करके आपको मेन्यू वाली पट्टी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें टोटल कितने मेन्यू मिल रहे हैं, 9 मेन्यू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यह भी आपको याद करके सुनाने होंगे। हम देखते हैं मेन्यू बार के नीचे आता है स्टैंडर्ड टूल बार, जो कि यह ऑप्शन है और इन ऑप्शनों के आइकन हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको कॉपी में प्रत्येक आइकन को बनाना है और इनके नाम को अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे कि आप स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाएँ। फिर हम चलते हैं, स्केल हमें दिखाई दे रही जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूलर के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। और टूल बॉक्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं ये टूल बार है और टूल बार में हम यहाँ पर बहुत सारे टूल देख रहे हैं। टोटल टूल की अगर संख्या गिनी जाए तो 14 टूल यहाँ पर मिलेंगे, 14, जो कि यहाँ इनके नाम भी आगे से हम देखने वाले हैं। इनके भी डायग्राम को बनाना होगा अलग से। कर्सर की हम बात करें, कर्सर यहाँ पर देखने को मिलता है जब हम टेक्स्ट एरिया लेते हैं तब। पेज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि फिट ऑन स्क्रीन
की बात हम करते हैं, फिट इन विंडो। तो ये फिट इन विंडो की यहाँ पर जो बात है, इसमें आपको ये ब्लैक कलर में पेज बॉर्डर दिखाई देती है, और ये जो कलर वाली होती है जिसमें नीले कलर और गुलाबी कलर की पट्टी आपको देखने को मिलती है, यह होती है मार्जिन गाइड। और मार्जिन गाइड के बाद हमारा ये पेज होता है जिसके अंदर हम देख सकते हैं, और साइड में हम चलते हैं, कलर प्लेट हमें देखने को मिलती है, वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पर हमें मिल जाती है, नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिल जाती है, कंट्रोल प्लेट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जिसमें हम साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और नीचे कॉर्नर पर हम देख पा रहे हैं मास्टर पेज आइकन देखने को मिलता है। यहाँ पर पेज आइकन भी होता है, टोटल कितने पेज आपने ले रखे होते हैं ये भी यहाँ पर मिलता है देखने को। और इसी के साथ में हम देखते हैं इंटायर पेस्ट बोर्ड वाला एरिया भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस पेज के बाद वाला जो एरिया होता है इंटायर पेस्ट बोर्ड, जो कि हम अभी देखेंगे, और नीचे नीचे हम वही टास्क बार को देखते हैं जिसको तीन हिस्सों में बांटा गया है, स्टार्ट मेन्यू, टास्क एरिया, नोटिफिकेशन एरिया। इस तरह से यह जो विंडो है इसका इंट्रो पार्ट समाप्त होता है। यहाँ इसके बारे में PDF भी जनरेट किया गया है जो आप देख सकते हैं कि एडोब पेज मेकर 7.0 जिसे एल्डस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और बाद में क्या हुआ, एडोब कंपनी ने इसे ख़रीद लिया और उसका नाम दे दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं यही पेज की विंडो को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, टूल बॉक्स, कर्सर, स्टैंडर्ड टूल बार, मार्जिन, पेज बॉर्डर, कंट्रोल प्लेट, रूलर, गाइड, ऐसे करके हम यहाँ पर मास्टर पेज आइकन देख सकते हैं। तो एडोब कंपनी के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं, एडोब कंपनी के द्वारा इसे खरीद लिया गया और यह तभी से एडोब नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। सबसे लास्ट में जो मार्केट के अंदर इसका वर्ज़न आया है वो है 7.0। इसके बाद कोई सा भी नया वर्ज़न कंपनी ने नहीं बनाया है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक और बात आपको पता चले कि संस्करण जो हम पढ़ रहे हैं, वर्ज़न जो हम पढ़ रहे हैं 7.0, यह संस्करण का एक्सटेंशन आपको याद करना होगा, फाइल का सेव होने का फॉर्मेट विस्तारक नाम हम कहते हैं। तो एडोब पेज मेकर फाइल का एक्सटेंशन होता है PMD.PMD, यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन इसका होता है, जो कि फोटोशॉप का PSD होता है। तो यह भी आपको याद रखना होगा, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है, यह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, जिन्हें आप याद करें। और एडोब पेज मेकर के टूल्स के बारे में भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसका भी डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है, और ये 14 प्रकार के टूल को अपनी कॉपी में बना के इनके नाम को याद करना होगा, और आगे से इनके काम भी हम देखने वाले हैं।